बलिया जिला जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल जिला जेल में चोरी के आरोप में बंद एक महिला की 8 महीने की बच्ची की इलाज के अभाव में मौत हो गई। बच्ची को पिछले कई दिनों से उल्टी और दस्त की शिकायत थी। महिला का आरोप है कि बच्ची की तबीयत खराब होने की जानकारी उसने जेलर को दी थी, लेकिन उसने उसके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। हालांकि रविवार सुबह जब बच्ची की तबीयत बिगड़ी तो आनन-फानन में जेल प्रशासन ने बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्ची की मौत हो गई। अब बच्ची की मां का रो रो कर बुरा हाल है। बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बच्ची को जेल प्रशासन ने सही समय पर इलाज क्यों नहीं मुहैया कराया। बड़ा सवाल इस मासूम की मौत के जिम्मेदार लोगों पर कब होगी कार्रवाई। आठ बजे तो हमारे फोन किए ये लोग, जेल गेट खुल गया, किसी बंदे तबियत खराब तुरंत आई है, तुरंत 2 मिनट के अंदर हम लोग आ गए। इसके बाद कहना ले जाइए सदर, लेकर लोग सदर लेकर चले आए। तो जेल के सजा तो उनको हुआ है? नहीं, साथ में बच्ची जा सकती है, अधिकारी बता सकते हैं ना सर, तो हम बता नहीं सकते। जेल हुआ था आपको? हम लोग को आज 25 दिन हो गया। अच्छा, हम लोग के जुतिया के दिन 3 बजे से हमारी लड़की के मुँह पेट तबियत खराब हो गया, मस्तक का बुखार हो गया। हम चीफ साहब के कहत रहनी, चीफ साहब हमारी लड़की की तबियत खराब हो, कोनो सुनवाई ना लेते रहना। खाली हमकी सुनवाई कैले में कोई सारा सीसी का दवाई आ देते रहना, बस कहते रहना तुम्हारी बच्ची वही में ठीक हो जाएगी, बस ये डांट के चल जाते रहना। हमारी लड़की हमकी जान बुझ के हमारी लड़की के मुँह आ जाना, कोनो दुख परेशानी हमारी ना रहा लड़की की। संवाददाता अरविंद कश्यप हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। अरविंद, आपसे जानना चाहेंगे, जो बड़ा मामला सामने आया है बलिया में, जहां जिला जेल में एक महिला ने अपनी बच्ची को लेकर अस्पताल प्रशासन से और जेल प्रशासन से भी गुहार लगाई थी कि बच्ची की तबीयत बिगड़ गई है, लेकिन देरी के चलते बच्ची की जान चली गई। फिलहाल क्या कार्रवाई हुई है, अब तक क्या कहा जा रहा है इस पूरे मामले पर? जी लंबी, आपको बता दें कि अभी जेल प्रशासन पे या और जो इससे जुड़े हुए लोग हैं उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसकी माँ थी, अपनी बच्ची को लेकर तड़प रही थी, जेल प्रशासन को बार बार सूचना दे रही थी कि मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, उसके कोई प्रॉपर बढ़िया से दवा चलाई जाए, लेकिन उसकी दवा जेल प्रशासन द्वारा उसकी पूरी व्यवस्था नहीं की गई। और जहां तक हमारी बात जिला चिकित्सालय में जो डॉक्टर इलाज कर रहा था उससे बात हुई, तो उनका कहना है कि अगर सही समय पर इलाज हुआ होता तो इसकी जान बचाई जा सकती थी। तो कहीं ना कहीं इसमें दवा के अभाव में, इलाज के अभाव में, बिना कोई गलती किए हुए उस मासूम की जान गई है। जी लंबी जी, फिलहाल पीड़ित की क्या मांग है और क्या आरोप है? पीड़ित का यह आरोप है कि जेल प्रशासन की लापरवाही के कारण, जेल प्रशासन की जो व्यवस्था इलाज न सुदृढ़ कराने के कारण हमारी बच्ची की जान गई है, और जेल प्रशासन पे इसकी कार्रवाई की जाए, जेल प्रशासन के जो अधिकारी दोषी हैं उन पे कार्रवाई की जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया अरविंद कश्यप इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे संवाददाता अरविंद कश्यप, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। फिलहाल अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और पीड़ित महिला जिसकी बच्ची की मौत हो गई लापरवाही की वजह से, अस्पताल में देरी से पहुँचने की वजह से, अब उसकी मांग है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और उसको इंसाफ मिले, उसको न्याय मिले।